और औरैया की बिदना विधानसभा सीट पर विरासत की जंग को लेकर परिवार दो पार्टियों की खेमाबंदी में बट गया है। जहां एक तरफ रिया शाकी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बीजेपी छोड़कर रिया के पिता और मौजूदा विधायक विनय शाकी ने साइकिल की सवारी कर ली है। औरैया जिले की विधुना सीट भी अब सियासी महासमर में हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि यहां पर राजनीतिक विरासत को लेकर जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी ने विधुना सीट से रिया शाक्य को टिकट दिया है। रिया शाक्य बीजेपी के बागी विधायक विनय शाक्य की बेटी हैं। विनय शाक्य अपने भाई देवेश शाक्य के साथ हाल ही में साइकिल पर सवार हो चुके हैं। ऐसे में अब अटकलें तेज हैं कि पिता या चाचा से क्या बेटी की टक्कर होगी, तो बेटी भी पूरी तरह तैयार है। देखिए, चाहे कोई भी आए समाजवादी पार्टी से, भले ही वो मेरे चाचा हो या कोई अन्य हो, हम पूरी मेहनत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और विधुना की जनता ने भी ठान लिया है कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनाएगी। रिया शाक्य ने अपने चाचा देवेश पर पिता विनय शाक्य के अपहरण करने का आरोप लगाया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें रिया ने अपने चाचा पर अपने पिता को अपहरण कर जबरदस्ती एसपी में शामिल करने का आरोप लगाया था, जिस पर वो अब भी कायम है। तो क्या मतलब ये जबर ले जाया गया है क्या समाजवादी पार्टी? मेरे पिताजी जब ठीक ही नहीं है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कोई मुद्दा नहीं बनता है, उनको चुनाव लड़ना है, उनको जबरदस्ती कराया गया है चाचा के। लेकिन अब बीजेपी ने रिया को प्रत्याशी बनाकर विधुना का राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट।